प्रैंक कौन? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी को क्या प्रैंक कर सकते हैं? सोचो सोचो, ये आइडिया अच्छा है। वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे लेकिन आइडिया अच्छा है। जल्दी सोचो कुछ। ये आइडिया मेरे को बहुत पसंद आया। आशीष भाई मेरा फोन तो वैसे नहीं उठाएंगे, बट इफ बाय चांस उन्होंने एक उठा दोस्त लिया डोनेटेड 200 तो रुपीस कुछ फनी होना सर मेरा चाहिए। 70K कैश ना ए चेक और सुश हो गया प्लीज सपोर्ट दिस न्यूज ना एक कुछ दोस्त बढ़िया ऑफ सा, कोल्ड बढ़िया हैड सा, लास्ट होप बहुत आर बढ़िया सा। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली हाँ मुझे क्राइंग पता है, मेरा थारा भाई दोस्त जोगिंदर प्लीज डिस्ट्रैक्ट आ मेरे को चुका है। मैसेज किया है राइट एस अंडरस्कोर रोस्टर प्लीज चेक और आई बवंडर हैज 1.3 मिलियन व्यूज, लोल। हाँ तो व्यूज तो आएंगे ही, उस पे इतनी हाइप बना रखी है इतने टाइम से, हर एक रोस्टर वोस्टर उसी की बातें कर रहा है, तो व्यूज तो आएंगे ही। दूसरे के साथ ही कह रहे आशीष भैया के प्रैंक क्या मैंने प्रैंक? सोचा कि आपकी शादी होने एवन कदम वाली डोनेटेड है, 1000 रुपीज होने वाली प्लीज है, 1K सब्सक्राइबर आई लव कंप्लीट यू भाई आशीष भाई को ये बोलूंगा मेरी शादी होने वाली है तो उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। इनविटेशन मैं अपने दूसरे नंबर से आशीष भाई को कॉल करूं, हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूट्यूब, एक्चुअली हमने देखा है कि आपके चैनल पे आप जो है वीडियोस कम पोस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम जो है आपको आपका आपका आपको चैनल उड़वाना चाहते नहीं चैनल हैं उड़वाना नहीं चाहते तो आपके उसकी चैनल पे हम थोड़ी रीच को कम कर रहे हैं और आपने जो रिसेंटली बोला था कुछ चीजों के बारे में वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो यस थोड़े टाइम के लिए आपको ये अगर नहीं महसूस रे होता नहीं, है एक्चुअली हम YouTube से बोल रहे हैं एंड हमने देखा है कि आप जो है इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, ये तो हम सबको पता ही है, तो अभी हम चाहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियोस जो है उन पे शॉर्ट्स बनाएं, क्योंकि हमें शॉर्ट्स हम आपकी चाहते हैं शॉर्ट्स प्रमोट करें आप यार। नहीं यार वो तो ऑलरेडी होगा कुछ अलग यार, ये YouTube चैनल डिलीट होने वाला है ये सब अच्छा नहीं लगता यार, ना क्रिएटर वही दुखी हो वही जाता है। कुछ ऐसा जिसपे वो हंसे, जिन जिसपे वो भी हंसे ताकि हमें भी हंसी आए, कुछ बताओ ना यार। बोलो आपने उनके लिए रिश्ता ढूंढा है नहीं 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 यार वो नहीं फोन ही बिल्कुल नहीं उठाएंगे पहले तो। मैं मार्वल से बोल रहा हूँ, हम डीसी से बोल रहे हैं एंड हमने देखा है कि आप मार्वल की बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हो, हम चाहते हैं आप अब से डीसी की प्रमोशन करो, क्योंकि आप ऐसे मार्वल की प्रमोशन करते रहोगे तो आपकी आपकी सारी ऑडियंस जो है वो मार्वल देखती रहेगी, हमारा धंधा बंद हो रहा है। ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है, आई लाइक दिस, ये सही होगा। या फिर ये बोल दे गोलमाल के अगले कास्ट में आपको आपने जो बोला था वो आपको ले रहे हैं यार नहीं कुछ भी ऐसा नहीं जिससे मतलब वो हल्का सा भी ऑफेंड हो सके ना। वो या क्या ओके कर सकता है यार फोन उठाएंगे नहीं वो। हेलो हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर आशीष चंचलानी? या हु इज दिस हाय सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डीसी मूवीज़। एक्चुअली हमने नोटिस करा है कि आप जो है मार्वल के सबसे इंडिया में बड़े जो क्रिएटर हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते रहते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम डीसी वालों का ना धंधा बंद हो रहा है। कौन बात कर रहा है हु इज दिस मैं डीसी मूवीज़ का ऑल यूनिवर्सल हेड बोल रहा हूँ। बता बता कौन है कौन है मैं एक नॉर्मी डीसी फैन हूँ जो बहुत ऑफेंडेड है इस बात से कि आप मार्वल की इतनी आपने मार्वल की इतनी प्रमोशन कर दिया, लोगों ने डीसी का धंधा बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप उसके बैट उस बैटमैन के साथ आप रॉबिन बने, बन जाएंगे सर हमारे पर पास भी कोई आपको औकात पर एक ही बस शर्त है कि आपको हम वो 1980s वाली रॉबिन का कच्छा पहनाएंगे, आप क्या तैयार है? नहीं है डन डन मैं पहन लूंगा डीसी फैन वालों को सामने के लिए
तो आपको हम वो कच्चा पहना के उड़ाएंगे हवा में, आप तैयार है इसके लिए? सॉरी मैं निश्चय बोल रहा था, ट्रिगर्ड इंसान। अरे माँ की यार, अरे मैं तो पहचान नहीं हुई आवाज लग रही है, मैं कभी बात नहीं करूं, पता है निश्चय कभी ऐसे रैंडम, नहीं नहीं मेरे को पता था कि ऐसे मैं फोन करूंगा तो बहुत वियर्ड है, उठाना भी शायद मुश्किल है, पीछे पड़े हैं मेरे चार्ट पे, तब से आशीष भैया को प्रैंक करो। मैंने कहा तो कुछ ऐसा सोचते हैं जिस पे वो भी हंसे, ऑफेंड होने की जगह उनको हंसाते हैं। देखो पता है मैं भड़क गया, अच्छा है भाई, तो ये भी तो रिकॉर्ड करके डालेगा, ये लाइव है। अरे लाइव है, अरे नहीं नहीं मैंने मैंने इसीलिए ना मैंने इसीलिए सीधा ऐसा बोला कि आप हमें डीसी को प्रमोट करें कुछ ऐसी बात जिस पे कुछ गलत बोल लेगा, चांस ही ना हो, नॉर्मल तो नहीं 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 अरे अरे पूरी चार्ट ऐसा पागल हो गई आपकी आवाज सुन के, थैंक यू सो मच, आपने कॉल उठा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है भाई, लक के लक, नीचे ना कभी फोन दे उड़ा रहा हूं, कभी फोन दे उड़ा रहा हूं अनोन नंबर का, लक है भाई, थैंक यू, तेरे फैंडम का तेरे पे दुआ है, प्यार है, मेरे फोन उठाए, थैंक यू सो मच भैया। एंड सबको प्यार जो भी सुन रहे हैं पूरी चार्ट की तरफ से और मेरी खुद की भी तरफ से, आई जस्ट वांटेड टू से वी लव यू आशीष भी, आप थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, चलो चलो, ओके बाय। हाय मैं तो मैंने बोला ना पल्लव कि कुछ ऐसा बोलते हैं जिस पे वो भी ऑफेंड ना हो, बच गए भाई वरना गालियां पड़ती। कुसुम से भाई बच गए, अभी तो ये सुन के किसी ना किसी का टाइटल जरूर होगा तेरी बात पे, आशीष अंजलानी अब्यूज ट्रिगर्ड इंसान ऑन लाइव स्ट्रीम, और फिर उसके बाद ये कुछ भी नहीं होगा उसमें, और एंड में ये होगा, शर्त लगा ले ये किसी ना किसी की वीडियो का टाइटल होगा ही। मैं चाहता हूँ अगर तुमको ऐसी कोई भी वीडियो दिखे, वीडियो अपलोड हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसी कोई भी वीडियो दिखे जिसमें ऐसा टाइटल हो उसके कमेंट सेक्शन में तबाह कर देना उसको, हाउ डेयर यू क्लिक बेटर। नहीं बट सीरियसली आशीष भैया बहुत स्वीट है यार, मतलब जितने भी वहां क्रिएटर्स थे सब बहुत स्वीट थे, लेकिन आशीष भैया सबसे ज्यादा स्वीट थे। या